आने का एक अपना ही चार्म है, वो हम एंजॉय कर रहे होते हैं कि ईद है तो यहाँ एक रश है, लाहौर की अपनी एक रिवायत है तो बड़ा एंजॉय करते हैं। स्पेशली आप ईद पे ही जो है मेहंदी का जो है ना अरेंजमेंट करते हैं या उसके अलावा भी? नहीं, ईद के अलावा भी कोई फंक्शन है, मेहंदी है, कुछ भी है तो उसके लिए भी हम यही आते हैं ना। आपकी फेवरेट एक्टिविटी यानी कि ये है लास्ट भी जो है ना कोई भी इवेंट आता है तो आप ये जो है लाजमी समझते हैं होना चाहिए, होना चाहिए हमारे यहाँ ये। हाँ, ये मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए, हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हम भी मैं भी ऑफिस में जॉब करती हूँ तो हम लोग इतना बोर हो जाते हैं उस लाइफ से कि थोड़ा सा आपको फील होना चाहिए हम गर्ल्स हैं और हमें थोड़ी गर्ल्स की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं तो आप क्या मशवरा देते हैं इस ईद पर, स्पेशली जो पीछे मार्केट में आते हैं फैमिलीज आती हैं यकीनन आपको देखेंगी और इस पे वो जो डिज़ाइन आपका बन रहा है नहायत खूबसूरत है और आपके हाथ माशाल्लाह अच्छी है और खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई है इंक्रीज करके, तो ये चीज़ें ये ज़रूरी हैं। तो जो इस वक्त ख़वातीन स्पेशली जो वॉच कर रही हैं हमारा प्रोग्राम उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? अपनी ईद को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें ये इवेंट दिया है क्योंकि हमारे यहाँ वो इवेंट हमने खुद बनाया हुआ उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये अल्लाह ने दिया है तो उसको बहुत दिल से बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। बाहर निकले कपड़े लें पहने मेहंदी लगवाएं चूड़ियाँ पहने, ये अल्लाह का दिया हुआ इवेंट है और उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। आपकी फैमिली भी नॉर्मली आते हैं, सब फैमिली के मेंबर्स आते हैं या आपको ज़्यादा इसमें जो है यहाँ से? मेरी बाकी सिस्टर्स मैरिड हैं तो वो अभी वैसे से नहीं आ सकती लेकिन अभी मैं फ्री हूँ इसलिए मैं तो आ जाती हूँ। राइट राइट। और आपने क्यों महसूस किया इससे तीन रोज़ पहले? नॉर्मली चांद आपको खवातीन प्रेफर करती है कि ज़रा फ्रेश भी रहता है काम नेक्स्ट वो एक्चुअली ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा था तो कल में पता ही निकल पाते कि नहीं निकल पाते तो आज थोड़ा रश कम लग रहा था तो कल धक्कम फेल थी तो इससे सोचा आगे जाके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।